है विष्णु जी ने नारद जी को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। नारद जी को एक तेल से भरा पात्र लेकर भूमंडल की परिक्रमा करने के लिए कहा और पात्र से तेल एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। यह काम विष्णु जी ने नारद जी को इसलिए सौंपा ताकि उन्हें यह पता चले कि किसान उनका प्रिय क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी भगवान को किसान ही याद आया। इस पंक्ति में दो क्वेश्चन दिया गया है गौ में। पहला है, कवि की यह पंक्ति किसके द्वारा किस संदर्भ में कही गई है? यह पंक्ति आंसर है पहला का, यह पंक्ति नारद के द्वारा कहा गया है। किसान के मात्र 3 पहर विष्णु भगवान को याद किया गया इस संदर्भ में कही गई है। सेकंड है, इस पंक्ति से नारद जी के मन की कौन सी भावना उभर कर सामने आती है? इसका आंसर है, इस पंक्ति से नारद जी के मन की निंदा, उपेक्षा तथा ईर्ष्या की भावना उभर कर सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारद जी को तेल पूर्ण पात्र देते हुए विष्णु जी ने क्या निर्देश दिया? इसका आंसर है, नारद जी को तेल पूर्ण पात्र देते हुए विष्णु जी ने निर्देश दिया कि इस तेल से भरे पात्र से परिक्रमा के समय एक बूंद भी तेल गिरनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु जी ने किसान की क्या विशेषता बताई? आंसर है इसका, विष्णु जी ने किसान की यह विशेषता बताई कि सज्जन किसान मेरे द्वारा दी गई जिम्मेदारी और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, जो सुबह से शाम तक खेती करता है और सांसारिक कार्यों का निर्वाह करता है, इसके बावजूद भी दिन पहर अपने इष्ट का नाम स्मरण करता है। लास्ट क्वेश्चन है, कविता में किसान की भक्ति को नारद की भक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ बताकर कवि क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? कविता में आंसर है, कविता में किसान की भक्ति को नारद की भक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ बताकर कवि यही प्रमाणित करना चाहते हैं कि जब एक साधारण मनुष्य अपना कर्म करते हुए ईश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से पूर्ण करता है और अपने इष्ट का नाम लेना भी नहीं भूलता है, तो नारद जी देवता होकर विष्णु भगवान द्वारा दिए गए कार्य को पूर्ण करता है, तो सारा ध्यान